हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ टेंशन मेंबर्स। इस न्यूमेरिकल में हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। थ्योरी वाली वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रैप्चर एंड डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक फेलियर निकाल लेते हैं, तो इन तीनों का जो मिनिमम होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। सो डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेट 130 mm इंटू 12 mm। हमें डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ एक प्लेट की निकालनी है। प्लेट की डायमेंशंस दे रखी है, उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 130 mm है, एंड थिकनेस जो दे रखी है वो 12 mm दे रखी है, विद द होल्स फॉर 16 mm डायमीटर एज शोन इन फिगर। होल्स के बारे में दे रखा है कि इनका डायमीटर क्या है, 16 mm है। स्टील यूज्ड इज ऑफ Fe450 एंड जो स्टील है उसका ग्रेड दे रखा है Fe450 है। एंड कुछ वैल्यूज हमें फिगर में भी दे रखी, लाइक हमें गॉज डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस वगैरह भी दे रखी है। सो सबसे पहले हम सारा डाटा लिख लेते हैं जो हमें दे रखा है। हमें निकालनी क्या है, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है। प्लेट की डायमेंशंस दे रखी, इससे हमें पता चला कि बी की वैल्यू 130 है एंड टी की वैल्यू 12 mm है। डायमीटर ऑफ होल दे रखा है तो हम डी नॉट निकाल लेंगे। एंड सिंस हमें स्टील Fe410 दे रखी है, इसका मतलब Fy की वैल्यू क्या होगी, 250 एंड Fu की वैल्यू क्या होगी, 410। एंड हमें पिच डिस्टेंस, गॉज डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रखी है। एंड हमें पता है डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा, इन तीनों का मिनिमम होगा। सबसे पहले हम यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है, मींस स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन केस ऑफ यील्डिंग फाइंड कर लेते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज पेज नंबर 32 पे हमें फॉर्मूला दे रखा है। सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यूज पुट करेंगे एंड आंसर आ जाएगा। बस हमें क्या फाइंड करना है, एजी फाइंड करना है, ग्रॉस एरिया फाइंड करना है। सो ग्रॉस एरिया का मतलब क्या है कि देखिए, वैसे तो यहाँ पे अगर हम नेट एरिया फाइंड करेंगे तब तो ये वाले इतनी जो डिस्टेंस है इसकी मल्टीप्लाई थिकनेस से करेंगे, लेकिन ग्रॉस का मतलब हमें ये मानना नहीं है कि इसमें होल है, हम पूरा सीधे बी लेंगे एंड इसकी मल्टीप्लाई टी से कर देंगे। सो ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, 130 इंटू 12, एरिया हमारा आ गया 1560, वैल्यूज पुट करेंगे एंड हमारी स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन केस ऑफ यील्डिंग मिल जाएगी हमें। सेकेंड पेन है रेप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, सो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन केस ऑफ रेप्चर। अगेन अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो कोड में हमें दे रखा है, कोड से फॉर्मूला देख लेंगे। एंड बाकी सारी वैल्यूज तो पता है, बस an देखना है, तो an निकालना तो हम देख चुके हैं। इस केस में an कितना हो जाएगा, नेट एरिया हमें फाइंड करना है तो b में से अगर दो हमारे होल्स हैं तो दो होल्स को माइनस कर देंगे, तो क्या होगा हमारा, b माइनस nd इंटू t होता है, n की वैल्यू क्या है, 2, हमारी एरिया आ जाएगा 1128। सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड हमें स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन केस ऑफ रप्चर भी मिल जाएगी। थर्ड वन, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। इस केस के लिए भी हमें फॉर्मूले कोड में दे रखे पेज नंबर 33 पे, बट हमें निकालना आना चाहिए ग्रॉस शेयर एरिया, निकालना आना चाहिए नेट शेयर एरिया, निकालना आना चाहिए ग्रॉस टेंसाइल एरिया, नेट टेंसाइल एरिया, ये चार टर्म्स है ना, ये निकालने हमें आने चाहिए। बोल्ट को मान लेते कि ये 1 है 2 है 3 एंड 4, तो इस तरीके से ये फेल होगा, इतना ये है ना, ये ब्लॉक ही पूरा निकल जाएगा। थ्योरी वाली वीडियो में हमने देखा था जो हमारा शेयर फेलियर होगा वो किसके अलोंग होगा, 1, 2 एंड 3, 4 के अलोंग होगा, एंड जो टेंसाइल फेलियर होगा वो किसके अलोंग होगा, 2, 3 के अलोंग होगा। सो फर्स्ट हमारा क्या है, ग्रॉस शेयर एरिया, शेयर एरिया निकालना है, मीन्स ये वाला ये एरिया एंड ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये ग्रॉस निकालना है, इसका मतलब ये जो हमारे होल है इनको माइनस नहीं करना, तो ये हमारा ये वैल्यू कितनी है हमारी, 60 है एंड ये 35 है, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 35। सो लेंथ क्या हो गई हमारी, 35 प्लस 60, थिकनेस हमें पता है इसकी कितनी है, 12, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, लेकिन हमें ये वाला भी निकालना, दो निकालना, तो इसको डबल कर देते हैं सीधे, तो टोटल हमारा जो ग्रॉस शेयर एरिया है वो मिल जाएगा हमें। ग्रॉस शेयर एरिया को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, AVG से। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देखिए इसके बारे में पूरा दे रखा है, बस अब हमें क्या निकालना है, नेट शेयर एरिया। तो देखिए जब भी नेट आ जाता है इसका मतलब जो होल्स हैं उनको हमें माइनस करना पड़ता है, तो इतने में अगर हम देखें तो कितने होल्स आ रहे, एक तो ये पूरा आ रहा है, ये कितना आ रहा है, आधा आ रहा है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, डेढ़ आ रहा है। तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बी माइनस एन डी वाला, ठीक है, बस जो एन की वैल्यू है वो कितनी रखेंगे, डेढ़ रखेंगे, 1.5 रखेंगे, ठीक है, एंड इसकी ये हमारी लेंथ हो गई, इसकी मल्टीप्लाई थिकनेस से कर देंगे, एंड अगेन ये दो है फर्स्ट सेकेंड, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, क्योंकि दो है, दोनों को अलग अलग निकालने से क्या फायदा, सीधे 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। सो शेयर के केस में तो दोनों हमने एरिया फाइंड कर लिए, ग्रॉस एंड नेट। सेम हम टेंशन के केस में भी करेंगे, टेंशन हमें पता है किसमें, इसके अक्रॉस हो रही है, ठीक है, 2 एंड 3 के, तो 2 एंड 3 की डिस्टेंस ये भी हमें पता है कितनी है, गॉज डिस्टेंस भी हमारी 60 है, तो 60 इंटू थिकनेस कर देंगे तो ग्रॉस एरिया आ जाएगा। एंड अगर नेट एरिया की बात करें तो हमें पता है कि जो ये होल्स हैं ये हमें माइनस करने पड़ेंगे, तो होल्स देखो कितना है,
ये आधा ये होल आ रहा है, आधा ये होल आ रहा है, तो टोटल एक माइनस करना होगा, यानी 18 माइनस कर देंगे, तो वही बी माइनस एन डी वाला लगाएंगे, बस एन की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, इंटू मल्टीप्लाइज थिकनेस से कर देंगे, तो हमें चारों हमारे एरियाज मिल गए। नाउ एरिया हमने फाइंड कर लिया, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज निकालेंगे एंड टी डी वी 1 फाइंड कर लेंगे एंड सिमिलरली हम टी डी वी 2 फाइंड कर लेंगे। एंड हमें पता है ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, इन दोनों की मिनिमम होती है, तो मिनिमम कितनी हो जाएगी 441.78 किलोन्यूटन। तीनों केस में हमने स्ट्रेंथ फाइंड कर ली, तो हमारी डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, तीनों की मिनिमम हो जाएगी, तो तीनों में मिनिमम कितनी है हमारी 332.99 किलोन्यूटन। सो इस तरीके से इजिली हम प्लेट के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड कर लेंगे। देखिए फॉर्मूले तो हमें कोड में मिल जाते हैं, बस अगर हमें एरिया निकालना आ जाए तो यूनिट 3 बहुत इजी हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।